Give me some sunshine. Give me some. आप कहाँ हो? आप मुझे बोझ नहीं आते हो. Can you see me? मैं शुगसानी मस्त थी हर बार. Can somebody type something? Can you type a message? आप कुछ लिख सकते हैं? अरे दिखाई कहाँ देता है अब? मैंने मैसेज ही मन बोला. मैसेजेस नजर ही नहीं आ रहे. कैन समबडी टाइप समथिंग फॉर मी? क्या ऑफ को मैं दिखाई दे रही हूं? ये क्या हो रहा है? तामस मुझे नजर कैज नहीं आ रहा. तो बोझ नहीं आ रहा है. इधर उधर और क्या करूं? मुझे नजर ही नहीं आ रहा था. मुझे तो मैसेज ही दिखाई नहीं दे रहे. Why is it so? Okay, wait, I will come back. I will come back. Okay, hello. Oh, now it is working. Now it is working. Hello, Dara Kashan, Ejaz, Aftab, Dar, Raj, Manzoor. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मीर मुशु, हेलो दीदी, हेलो. वारे छखे दीदा अंकित बाली, यस. लॉन्ग टाइम, यस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. रमेश कौल जी, नमस्कार. Mehreen, my John is also online. Yes, Dida, you are live. We are already live. Great. Okay, I think I can see you all now. और आप भी मुझे देख सकते हैं. जी, बहुत बहुत time के बाद मैं online आई हूँ आपके साथ. Yes, ma'am, you are on my screen. Okay, sir, thank you very much. आप मुझे ma'am ना कहा करें, दीदा कहा करें, मुझे अच्छा लगता है, अपनापन लगता है. आप कुछ बोलो भी, वना कोशिश कर रही हूँ. अभी अभी तो आई हूँ, थक गई हूँ. अच्छा, पहले तो मैं पंडितों से पूछना चाहूंगी, आप कैसे हैं और गर्मी कैसी है? और अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूंगी, कैसी आपकी ईद की शॉपिंग है? मेरे ख्याल 22 या 23 को ईद है, तो आई थिंक यू विल ऑल बी वेरी बिजी. हालांकि मुझे यकीन, मुझे लग रहा था कि शायद बहुत लोग ऑनलाइन ना आ पाए, बट आई थिंक वी आर डूइंग गुड. वी हैव 94 पीपल विद अस ऑलरेडी. वसीम अशरफ, जिनाब छा वा रहे मारा? बिल्कुल बिल्कुल वा रहे. यस दिदा, वी कैन सी यू. ओके,
बहुत 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 वक्त के बाद मैं ऑनलाइन आई हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आधी चीजें यहाँ तामस समझ ही नहीं आ रही। चलें, आपसे मुझे बहुत, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे पता है एक तो रात भी रात होने वाली है और इस समय ईद का भी वक्त है, आप लोग काफी बिजी होंगे और कल भी वर्किंग डे है। जो लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको सुबह उठ के दफ्तर भी जाना है तक कुछ बोलो भी वाना नहीं छस। रुको एक सेकंड, तफरीक मत उठाओ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है तामस यहाँ क्या हो रहा है। रुको एक सेकंड, वेट, कश्मीर कब आओगी? बहुत जल्द, शायद अगले ही महीने। ओके, चलें, आपसे मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आप मुझे इतना प्यार भेजते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है कि जो आपके पास हो उसका पहले शुक्रगुजार होना चाहिए, ऊपर वाले से शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, और उसके बाद और मांगना चाहिए। और मुझे तो मेरे ख्याल बिना मांगे ही बहुत कुछ दे दिया है आप लोगों ने। आप लोग मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, मेल्स करते हैं और बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारा प्यार भेजते हैं। ऐसा नहीं है बाकी गलत गलत चीजें नहीं भेजते हैं, मगर कंपैरेटिवली वो कम है। तो मैं जो आपकी दुआएं हैं वो मैं आई काउंट माई ब्लेसिंग्स, उन पे मैं ज्यादा ज्यादा तवज्जो देती हूँ। और जो आप मुझे प्यार देते हैं उसको मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जो गलत कमेंट्स हों उनको मैं इग्नोर करूँ, लेकिन बहुत टाइम से कुछ टाइम से अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलिए, मुझे आपने पढ़ा होगा कि हमने जो है असुन कशुर, जो ऑफ ऑफ का असुन कशुर है उसको रजिस्टर कर लिया है। असुन कशुर इज नाउ अ कंपनी एंड आई ऑलरेडी हैव माई फर्स्ट कॉलीग ऑन बोर्ड, हर नेम इज मेहरीन। वो पोस्ट भी आपने देखा होगा और बहुत लोगों ने आपको मेहरीन को बहुत लोगों ने मेहरीन को बहुत दुआएं भी भेजी हैं यहाँ भी, और उनको गुड विशेस भेजी हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो मेहरीन एंड आई विल बी वर्किंग टुगेदर। और ये सवाल भी पूछे गए थे, क्या मेहरीन अब आपका कंटेंट लिखेगी? नहीं, कंटेंट मैं लिखूंगी। मेहरीन विद वर्क ऑन दी विल वर्क ऑन अदर थिंग्स। बहुत काम होता है हमको, ऐसी बात नहीं, बहुत मेहनत करते हैं हम। और रही बात प्रोडक्ट्स की, आपने शायद मेरी पहली टी शर्ट देखी होगी, राधर हमारी पहली टी शर्ट देखी होगी। मेरी जिंदगी मेरे फैसले आपको चट्टी है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे ईमेल्स पे अपनी डिटेल्स भेजी हैं और उनको वो टी शर्ट चाहिए है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, हमें डिलीवरी में थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन वो एक समझने की बात ये है कि वो हमने प्री ऑर्डर शुरू किया था, यानी कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि कौन लोग, ये कोशिश जानने की कर रहे थे कि कौन लोग इंटरेस्टेड हैं ये प्रोडक्ट लेने में। और हाँ, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है। मुझे लगता है ये भी आपका प्यार ही है जो आपने दिदा को आपकी दिदा बना दिया है। और अब हमारे साथ एक और हमारी कंटेंट मैनेजर भी हैं मेरिन, जिनका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो वी विल बी वर्किंग टुगेदर नाउ ऑन प्रोडक्ट्स ऑल्सो। और एक मैंने क्या नाम है, कल एक दो दिन पहले शायद एक प्रमोशनल वीडियो डाला था डेजहोर रेडी का, और उसके बाद और भी कप्स आएंगे आने वाले टाइम में। आप देखेंगे कि हम और भी अपने प्रोडक्ट्स निकालते हैं। और आपको अच्छा लगे तो खरीदिए, नहीं अच्छा लगे तो वीडियोस देख के खुश हो जाइए। थोड़ी सी मुझे आपसे शिकायत है, बहुत लोगों ने मुझे काफी जहरीले मेल्स और मैसेजेस भी लिखे हैं, पता नहीं क्यों। वो वीडियोस के टाइम पे भी लिखते थे, अब चूंकि ये रजिस्टर हो गया और अब हम अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, इसलिए भी शायद उनकी कोई नाराजगी है, क्यों मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करने वाली थी, करना चाहती हूँ। आप लोग इस पेज पे आते हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, मेरे बनाए हुए वीडियोस देखने के लिए, तो वो जारी रहेगा, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि अब आप सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस डालते हैं, हालांकि मैंने सिर्फ दो प्रमोशनल वीडियोस अपलोड किए हैं। और ये कोई प्लान नहीं था, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दिदा आपकी दिदा बन जाएगी, लेकिन ये शायद आपकी मोहब्बत है।
और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया और हमने आगे हम बढ़ते चले गए। आपका प्यार हमें मिलता रहा और हम उस पर काम करते रहे, करते चले गए। तो अब मैं आपसे एक बात कहूँ, जब वीडियोस हम अपलोड किया करते थे तब भी हमने किसी को मजबूर नहीं किया कि आप वीडियोस देखिए। आपको अच्छा लगा, आप यहाँ आए, आपने यूट्यूब पर भी चैनल सब्सक्राइब किया, आप फेसबुक पे आए, आपने यहाँ भी हमें प्यार दिया और हमें दुआएं दी। और हमें यकीन है आप आगे भी वो दुआएं देते रहेंगे, लेकिन वीडियोस बनाना जो है आपकी दिदा वो बंद नहीं करेगी। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई मलाल होना चाहिए। रही बात अब मैं कब वीडियोस अपलोड करूं क्या नहीं करूं, मैं काफी मसरूफ रहती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी मेरे मेरा काम भी है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बिल्स ऑल्सो, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये महंगा शहर है, यहाँ काफी अखराजात होते हैं। तो वो वीडियो बनाने से मैंने हमेशा बोला था, जो यूट्यूब पे मैंने किया है, ये दिस इज माई सर्विस टू द लैंग्वेज, इट इज माई सर्विस टू द लैंड, माई पीपल हु अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट आई स्पीक, एंड दैट इज कश्मीरी लैंग्वेज, एंड दैट विल कंटिन्यू। तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो इतने मुझे गालियां, मैं कह सकती हूँ आपको, मुझे जो गालियां लिखते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, मैं जबरदस्ती, हम लोग जबरदस्ती आपकी जेब से पैसे नहीं निकालने वाले। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे आप ले लीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगे आप देखिए, वीडियो हम बनाते रहेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। अब तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप वहाँ भी कुछ कुछ देख सकते हैं जो हमेशा फेसबुक पे अपलोड नहीं हो पाता। इंस्टाग्राम का कंटेंट थोड़ा अलग है और वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ वीडियो आप सिर्फ 60 सेकेंड्स का या 40 सेकेंड्स के वीडियोस डाल सकते हैं, विच इज़ रियली नॉट माई स्टाइल। और कुछ लोगों को परेशानी है मेरे डेजोर वाले वीडियो से भी, और आई स्टैंड बाय इट, आई स्टैंड बाय एवरी प्रोडक्ट दैट आई हैव डिस्प्लेड ऑन दिस पेज, आई स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आई हैव सेड। मैं फिर से कहना चाहूंगी, YouTube पे जो वीडियोस हैं वो बनते रहेंगे। अब हाँ, कभी कभी होता है मेरे को फुर्सत नहीं मिल पाती, मैं काम में बहुत बिजी हो जाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन एंड आई डू इट एज अ सर्विस टू माई लैंड, फॉर माई पीपल, आई डू इट टू मेक पीपल लाफ, स्माइल, टू मेक देम हैप्पी इन कश्मीरी, द लैंग्वेज दैट इज सो डियर टू मी। तो वो चलता रहेगा। तो आप गुस्सा इतना करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे ईमेल, अब तो ईमेल एड्रेस भी आ गया है, आप ऑफिस का, चूंकि हम फोन नंबर अपलोड कर चुके हैं, तो लोग तो आज सुबह एक हजरत फोन पे भी कुछ उनको मलाल था, वो मुझे बोल रहे थे, तो वो जो फोन है वो लैंडलाइन फोन है, वो ऑफिस में रहता है, वो सहूलियत के लिए है लोगों की, जिन्होंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, कहीं उन्हें कभी परेशानी हो ट्रैक करने में या प्रोडक्ट रिसीव करने में, वो उसलिए रखा गया, दैट्स नॉट फॉर चिट चैट, और वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब है। तो समझने की कोशिश करें, अगर हमने वहां पर इतनी डिटेल्स डाली हैं तो उसको मिसयूज ना करें। बाकी बाकी मुझे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना, आप गुस्सा मत कीजिए। और आजकल की दुनिया में जो है, लोग फोटो खिंचाने के भी पैसे लेते हैं, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो हम तो बहुत कोशिश करते हैं आपको एंटरटेन करें, आपको खुश रखें, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे, और वो कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। मैं फिर से बात करना चाहूंगी अपने रीसेंट प्रमोशनल वीडियो मग का, जो पहला मग हमने जिसका प्रमोशन किया था, जिसका नाम है डेजोर रेडी, जो बाय नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट अ डेजोर इज। तो समझने की कोशिश करें, मेरा स्टाइल जो है वो सटायर है, मैं तनज करती हूँ और मुझे तनज पसंद है, और ये तो मैं करती रहूंगी। अब जिसको तकलीफ है, अगर है, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नॉट वॉचिंग इट, ठीक है ना, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट्स। तो हम तो आपके घर आकर तो आपकी जेबी नहीं फाड़ेंगे ना, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है आप लो, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत लो, गालियां तो मत दो ना। आज मतलब मुझे हैरान, ज्यादा पढ़े लिखे लोग और ज्यादा जो अवेयर हैं, जो अपने आप को सिविलाइज लोग कहते हैं, वो करते हैं, मतलब ये लिखना कि मैं नॉनसेंस फैलाती हूँ और पता नहीं क्या पता नहीं क्या, मतलब इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे नहीं समझ में आता कि, मुझे तो लगता है आपस में भी प्यार से बात करनी चाहिए, ये किसी के लिए भी ऐसी जबान का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज यू हैव द फ्रीडम टू राइट ऑन वेब ऑन हूसोएवर्स वॉल,
on whosoever's wall, whether on public forums or on your friends' walls. मतलब just सोचिए, अब हम इंसान हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे की तरफ जो है हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए, थोड़ा हमारा रवैया जो है वो थोड़ा नरम नरम रहना चाहिए. और मैंने अपने आइडियाज किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किए. आई एम अ कश्मीरी पंडित वुमन, आई हैव पियर्स्ड माय इनर इयर्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो डेजोर है दैट इज फॉर मैरिड वुमेन. अब जिनको नहीं पता वो शायद थोड़ी रिसर्च कर लें, और इतना अटैक करने की बजाय, लोगों को ऐसे डिस्करेज करने की बजाय चुप ही रहें. बोल सकते हैं तो अच्छा बोलें, नहीं बोल सकते तो चुप रहें. अब या तो कोई सजेशन हो. अब मेरे एक बहुत अजीज है, मेरी एक बहुत अजीज दीदी सीनियर हुआ करती थी हॉस्टल में, तो उन्होंने मुझसे कहा था, अनफेयर क्रिटिसिज्म इज अ हिडन कॉम्प्लीमेंट. तो शायद वो कोशिश यही कर रहे हैं, शायद वो कोशिश मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका अंदाज अलग है. तो थैंक यू वेरी मच, बट वी आर हियर टू स्टे नाउ. आई कैन से वी बिकॉज वी आर टू ऑफ अस. तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, तो आप अपना काम कीजिए. जिस ईमानदारी से, जिस मोहब्बत से और जिस शिद्दत से आपके लिए हमने आज तक वीडियोस बनाए हैं, उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी और उसी प्यार से हम ये जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाते रहेंगे. अश्विन कौशल इज लाइक माई बेबी, आई विल गार्ड इट अगेंस्ट माई सेल्फ इट नीड बी. सो ट्राई, यू कैन कीप ट्राइंग, आई विल कीप डूइंग माई वर्क. मुझे बहुत दुख होता है आपके इतने बुरे कमेंट्स पढ़ के. एक हजरत थे जिन्होंने कल लिखा था कि आपका जो दिमाग है वो एकदम पंडितों वाला है, तो आपने इसको बिजनेस बना दिया. मुझे आप एक बात बताइए, जब आप नौकरी करने जाते हैं, अगर आप एक क्लर्क लगते हैं किसी दफ्तर में, तो क्या आप जिंदगी भर क्लर्क ही रहते हैं? आप भी आगे बढ़ते हैं ना. और फिर से आपको क्लर्क बनने की, असिस्टेंट मैनेजर बनने की, मैनेजर बनने की तनख्वाह मिलती है. मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगे. आप अभी भी यूट्यूब पे, कहीं भी, आप बाथरूम में बैठे हो, आप मुझे लाइव वहां पे जितनी दफा मुझसे बक बक करवा सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं. तो मुझे नहीं समझ में आता आपको मुझसे इतनी तकलीफ क्या है. आपको खुश नहीं होना चाहिए? एक आपके साथ का जो इंसान था वो आगे बढ़ रहा है, अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं. राइट नाउ इट इज मैरिन एंड माई सेल्फ, वी विल बी इन्वॉल्विंग मोर पीपल. एंड इन माई इंट्रोडक्टरी पोस्ट आई हैड रिटन इट दैट वी विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी वर्क एंड चैरिटी. दिस इज नॉट अ बेट, दिस इज समथिंग दैट वी वुड लव टू डू. दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम. एंड आई हैव ऑल्सो मेट अ पर्सन, यू नो, आई हैव मेट मैरिन एंड she is the same. I sometimes feel that we are so alike, and I think she's live right now, and this is another time that I am telling you this, Marin. You remind me so much of myself. So koshish kare apne saath ke jo log hain unko encourage kare, aur kuch acha nahi bol sakte to bura mat kahiye. Aur jo yahan par ye feminists hain hamare, mujhe lagta pata nahi kaun si dictionary ye refer karte hain, kis tarah ka ye फेमिनिज्म है, मुझे नहीं समझ में आता. इवन आई एम अ फेमिनिज्म, बट आई एम नॉट अ पीपल हेटर और अ मैन हेटर. लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम बी, आप उसमें ना पड़े. तो इन शॉर्ट, वीडियोस हम बनाते रहेंगे. जिस आपको प्रमोशनल वीडियो नहीं देखना, प्रोडक्ट्स का वीडियो नहीं देखना, तो ना देखें, ना देखें. यूट्यूब पर आपको मैं एंटरटेन कर रही थी, मैं करती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ. उसका मीडियम हो सकता है चेंज हो जाए, मतलब वीडियोस में और कैरेक्टर आ जाए, ये हो सकता है. उसमें अब वो ड्रामा की तरह लगे, ये हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि और लोगों को मैं इन्वॉल्व करूं, ये भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है जो मैं अभी तक कर रही थी. इट ऑल डिपेंड्स. आई हैड नेवर प्लान्ड एनीथिंग ऑन फॉर अश्विन कौशल. आई हैड नॉट प्लान्ड. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतना सारा प्यार आप लोग मुझे देंगे और इतने सारे लोग जुड़ना चाहेंगे अश्विन कौशल के साथ. मैंने कभी नहीं सोचा था. तो शायद ये आपकी दुआएं हैं जो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं. दुआएं देते रहिए हमें और अपना प्यार हमें भेजते रहिए. अब जितनी देर में आप एक नफरत भरी मैसेज लिखते हैं, उतनी देर में वर्जिश कर लीजिए, वर्जिश कर लीजिए, कहवा पी लीजिए, या मेरी तरह अश्विन कौशल के कप में पानी पी लीजिए. मुझे अच्छा लगता है गर्म पानी पीना. बाय द वे, आपकी दुआओं से जितने भी फर्स्ट लॉट में हमारे डेजो रेडी के कप्स थे वो हमने शिप कर दिए हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ यू. आप अपना काम करते रहिए,
मैं अपना काम करती रहूंगी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, नया वीडियो आएगा, और पहले भी मैं 2-3 हफ्ते लगा 2-3 हफ्ते बाद ही आया करती थी यूट्यूब पे, और अब भी मैं ऐसे आती हूँ। आई वुड लाइक टू रिइटरेट, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ यूट्यूब, बट आई विल कंटिन्यू टू डू इट। और मुझे हैरानी इस चीज की होती है, इस बात की होती है, मैं नए चेहरे देख रही हूँ इनबॉक्स में और कमेंट्स में, जिनको मैंने कभी कोई कोई अच्छी बात उनसे नहीं सुनी, लेकिन वो मुझे बहुत इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर्सनल अटैक करने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत लिख रहे हैं और उसका ये मतलब है कि आप फॉलो कर रहे हैं इस पेज को बहुत टाइम से, तो कभी अच्छा तो आपसे सुना नहीं। दीदी, भैया, आंटी, अंकल, चाचू, चाची, जितने भी आप लोग, कभी अच्छा तो सुना नहीं, बुरा ही सुना है। आपको इसकी अलग से तनख्वाह मिलती है तो अपने पास रखो, मुझे नहीं इसकी जरूरत है, इसको इन्वेस्ट करो। जितनी जितनी कोशिश यहाँ करते हो, अपनी जो ये एनर्जी वेस्ट करते हो, क्यों, किस लिए? कुछ अच्छा काम कर लो, वर्जिश कर लो। मेरे हिसाब से तो वर्जिश करनी चाहिए, और अच्छा खाना खाओ। हम कश्मीरी लोग तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, यहाँ आके इतना जहर फैलाते हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। और एक चीज मुझे और कहनी थी आपसे, ईद आने वाली है, आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? अब जरा मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत बोलना था आपको, मैंने बोल दिया। वी कैन सी यू, अब कुछ बोलोगे? ओके, इज दैट इट? जाऊं फिर? मुझे यही कहना था। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। संगीता खान, नमस्कार दिदा, लव यू डियर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव। कहाँ इधर उधर देख रही हो? था तरुण फिक्री, शुरू में बोला ना, आज बड़े दिनों बाद आई। ओके, नो टाइम नो सी। ये मुझे किसी ने किसी कमेंट में नॉनसेंस भी लिखा था, मतलब इतनी अंग्रेजी, इतनी अंग्रेजी, इतना प्यार, मिशा यू अंग्रेज पागल, क्यों करते हो इतना वेस्ट? आप इतना प्यार लिखते हो, आप इतना क्या करना था? आप नॉनसेंस ही लिख दिया आपने, इसकी क्या जरूरत थी? अब आप कमेंट, अब आप, मैंने इतना इतनी बकवास की, अब आप भी कुछ कीजिए, अब आप भी कुछ लिखें, कुछ बताइए। मुझे पता है आप लोग बहुत मसरूफ हैं आजकल, ईद आने वाली है, और जो बाकी लोग जो गर्म इलाकों में रहते हैं मेरी तरह, उनको दाल बस गया है, यहाँ इतनी गर्मी है, मुझको तो ऐसी में भी पसीना आता है ताब। हो गया फिर, यूं तो सा ठेल, जाऊं फिर? चलो सो जाओ फिर। फिर से बोलती हूँ, ईद मुबारक। अब मत लिखना, प्यार लिखना, लिखना ही है तो। एक और चीज, सॉरी सॉरी, मुझे फिर भूल जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया था, गालिब भट्ट और रोहन मुसलमान। वैसे मुझे ये तो बहुत अपने आप की ही मैं इंसल्ट करूंगी अगर मैं आपको अपने जोक समझाऊं, अपनी स्क्रिप्ट समझाऊं, मगर फिर भी आखिर आप मेरे अपने हैं। उसमें जो है, पता नहीं कितनों को समझ आया, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे उस पे भी बहुत प्यार भेजा है। अब आप समझ ही गए होंगे किस तरह का प्यार भेजा है। काफी गालियां मुझे उस पे भी पड़ी हैं, मगर वो इनबॉक्स अलहदा से पड़ी हैं, तो चलो इतनी उन्होंने इज्जत अपने आप की रख ली, मेरी तो खैर क्या ही खत्म करेंगे। तो मैं उसमें ये कहना चाह रही हूँ आपको कि हमारे कुछ तनज, हमारे कुछ बातें हैं पंडितों और मुसलमानों के बीच में, जिन पे हम हंस सकते हैं,
तो उन्हें आप वेपन बनाकर इस्तेमाल ना करें एक दूसरे के खिलाफ, बल्कि हंसें, क्योंकि हम बहुत ह्यूमरस लोग हैं, हमारा जो ह्यूमर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, तो हंसें उस बात पे। जैसे उसमें जो मेरी कोलीग मेरे साथ हैं वो मुझे कहती हैं तुमको दाल बट कहते हैं, मैंने उसको बोला तुम लोग रोहन मुसलमान हो, रोहन मतलब गार्लिक, रोहन मुसलमान तुमको कहते हैं, उसको पंच लाइन इज उसको बैलेंस करने के लिए, डजंट मीन एनीथिंग, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज लाफ विद ईच अदर, लाफ एट ईच अदर, इसमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप हंस सकते हैं तो उसमें लड़ना क्या है। आप नहीं प्यार से, मेरे तो कितने फ्रेंड्स हैं जो मुसलमान हैं, जब हम लोग हंसते खेलते हैं मिलते हैं कहीं गैदरिंग में, वो मुझे कहते हैं दाल बटनी, मैं उनको कहती हूँ आता है रोहन मुसलमान, पता क्या होता है वो, क्या कोई गाली है इन चीज, ये हमारी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं, लेकिन हम उन पे हंस सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो हमको जो जोड़ती है वो हमारा वो कश्मीरीपन जो है वो हमें जोड़ता है, हमारा ह्यूमर, जैसे कि मैंने बहुत दफा बोला भी है, मैं बोलती भी हूँ कि हम कश्मीरी में हंस सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ह्यूमर है मेरे हिसाब से उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो बहुत यूनिक है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, ईद मुबारक, और जो बेचारे गर्म इलाकों में कश्मीरी हैं मेरी तरह, उनको मैं क्या बोल सकती हूँ, उनको कहती हूँ ऐसी में बैठो, बहुत पानी पिया करो, नींबू वींबू पिया करो, अच्छा रहेगा, डिहाइड्रेट मत होना, वो खराब है सेहत के लिए। ठीक है, शब बखैर, ईद मुबारक, अब औफ की दिदा लेती है आपसे इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और अगर आप पर कोई बुरा वक्त है तो भगवान करे आपके हालात बेहतर हों, आप खुश रहें। चलूं, वंद नहीं आता है मगर जाती हूँ, तावनस वीडियोस पे टिपान से सिद्धात करा, ये टिपान से सिद्धात करा, मैं जो बसंत तो थे कि मिटा, चलो ओके, शब खैर, बाय बाय।